बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करें दही बनाने की रेसिपी कि दही किस तरह बनाया जाता है, घर में तैयार किया जाता है। तो बनाना शुरू करते हैं। दही बनाने के लिए हम पहले दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। पतीले में हम पहले दूध शामिल करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और हमने लकड़ी का एक चमचा ले लिया, इसके साथ इस तरह मिक्स करेंगे। एक टेबलस्पून हम इसमें चीनी शामिल करें, दूध में बॉयल आने देंगे। दूध जो हमारा बॉयल हो चुका है, हमने फ्लेम को लो कर दिया और इसी तरह हम चम्मच जो है हलाते जाएंगे। आप जब भी दही बनाएं तो फ्रेश दूध लें, फुल क्रीम वाला दूध होना चाहिए, उससे दही जो है बहुत अच्छा जमता है। हम इसी तरह 15 मिनट इसको और पकाएंगे। दूध हमारा बिल्कुल 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को उतार लेंगे। हमने एक मिट्टी का ये बॉल लिया, इसमें हम अपना दूध जब डाल देंगे जो बॉयल किया हमने। एक हमने कप लिया, इसकी मदद से हम इसको दूध को इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारे दूध का टेम्परेचर भी डाउन हो और ऊपर झाग भी बने। ये हमारे दूध में झाग जो अच्छी तरह से बन चुकी है। अब हम इसको छोड़ देंगे और इसका टेम्परेचर जो है डाउन होने देंगे, रूम टेम्परेचर में ले आएंगे, यानी 36-37 टेम्परेचर हमें चाहिए। उसके बाद फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो इसको इस तरह रहने देंगे। दूध जो है हमारा बिल्कुल अभी नीम गर्म हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया। इस तरह हम टच करके भी देख सकते हैं और इसमें उंगली भी डाल के ऐसे चेक कर सकते हैं। 6-7 सेकेंड के लिए आप रखेंगे तो आप आपके उंगली में इस तरह अगर बर्दाश्त करिए कि दूध इतना गर्म नहीं है। तो मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा था, एक छोटा और बॉल ले लिए, उसमें मैंने दूध डाली है। हमने यहाँ कुछ दही ले लिए और ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हमने ये दही लिया, थिक दही है। यहाँ से थोड़ा सा हम दूध लेंगे, दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम चम्मच से इस तरह एक साइड से अंदर डालेंगे, इस तरह इस बॉल में भी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे इस तरह, और इस के ऊपर मेरे पास कोई ढक्कन नहीं है तो मैं इसके ऊपर ऐसा प्लेट रख दूंगी, इस छोटे बॉल के ऊपर। एक टी टॉवल हम ले लेंगे, उससे ऊपर कवर कर देंगे। इस तरह मैं एक गिरा लगा रही हूँ यहाँ पे। इसी तरह हम दूसरे को भी एक टी टॉवल से कवर कर देंगे और बिल्कुल रूम टेम्परेचर में रखेंगे इसको 6 घंटे के लिए। 6 घंटे भी आप रख सकते हैं, 7 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन जब 7 घंटे के बाद जब दही हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम फ्रिज में रख देंगे। तो इसी तरह मैं किचन में इसको रखूँगी, 6-7 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। ये हमारे 7 घंटे से भी ऊपर टाइम हो गया, खोल के देख लेते हैं।
नहीं, हमारा माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गया। बिल्कुल तैयार हो गए। अब 1 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद फिर हम निकालेंगे। माशाल्लाह नहीं, जो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, 1 घंटे से भी हमने ज़्यादा इसको फ्रिज में रखा है, बिल्कुल ठंडा हो गया हमारा। हम निकाल कर भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सेट हो चुका है ये भी, आप देख सकते हैं। हम निकाल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सेट, कोई इसमें पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।